नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान में लॉकडाउन है वो और बढ़ा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने दोस्तों कदम उठाया है। अब राजस्थान में दोस्तों लॉकडाउन है वो कब से कब तक है वो बढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, 24 मई तक आपके प्रदेश में लॉकडाउन था, लेकिन गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार अब 31 मई तक बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आपका लॉकडाउन है, पहले 17 तक था, उसके बाद 24 कर दिया गया, अब आपको दोस्तों 31 मई तक बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन, जिसमें क्या क्या छूट मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों कोरोना के केसेस में पिछले कुछ दिनों में कमी आई है, लेकिन रोज़ हो रही मौत के आंकड़ों से सरकार चिंतित है। ऐसे में 31 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मई का महीना तो लॉकडाउन में ही निकलेगा। अब 24 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन था, गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार 31 मई तक बढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गृह विभाग की तरफ से दोस्तों नोटिस भी आ चुका है, जिसमें आपको क्या क्या छूट मिलने वाली है। कोरोना की रोकथाम को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला दोस्तों, प्रदेश में पहले आपका जो 24 मई तक लॉकडाउन था दोस्तों, उसे बढ़ाकर अब आगे कर दिया गया। जिसमें कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी दुकानों का टाइम रहेगा दोस्तों, वो आपका सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का जो समय रहेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपकी जो है, जो विवाह समारोह हैं दोस्तों, उनमें अधिकतम 11 लोगों को ही अनुमति रहेगी, और जो अगर दाह संस्कार में दोस्तों 20 लोगों को जो है आप बुला सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो लॉकडाउन है अब पूरी तरीके से 30 मई तक रहेगा, और जो दोस्तों धारा 144 थी दोस्तों, अगर उसकी बात करूं तो उसे बढ़ाकर दोस्तों यहां पर 21 जून तक कर दिया गया है। जो आपकी 21 पहले मई तक थी, उसे धारा को बढ़ाकर अब 21 जून कर दिया गया है दोस्तों। चलिए आपको बता देते हैं क्या क्या अपडेट है वो किए गए हैं दोस्तों, जो है नए गृह मंत्रालय के द्वारा जो नोटिस आया दोस्तों, उसमें क्या क्या यहाँ पर दोस्तों बदलाव है वो देखने को मिला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेटों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर दिनांक 18/3/2021 को, दिनांक 19/3/2020 को निषेधा लागू की गई थी। पुलिस आयुक्त जयपुर, जोधपुर एवं समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इस धारा 144 को अब बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर 21 जून है वो कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 21 जून आप धारा, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों, धारा अब आपकी 21 जून तक है वो बढ़ा दी गई। यानी कि अब पूरे राजस्थान में धारा 144, जिसमें कि 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकेंगे दोस्तों, और शादी विवाह समारोह में दोस्तों अधिकतम 11 लोगों की जो है आप 11 लोगों को ही बुला सकते हैं, और जो दाह संस्कार में दोस्तों 20 लोगों को बुलाने की अनुमति रहेगी। इसी के साथ दोस्तों आपकी जो दुकानें हैं उनका जो समय है वह वही रहेगा, जो आपका 11 बजे तक समय था वही दोस्तों यहां पर समय रहने वाला है, और पूर्णतः लॉकडाउन दोस्तों आपका 30 मई तक दोस्तों राजस्थान में लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सबके लिए ये जो है बुरी खबर है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि 24 के बाद लॉकडाउन गया, तो लॉकडाउन आपका 30 मई तक बढ़ा दिया गया है, और धारा 144 आपकी 21 तक लगा दी है दोस्तों। तो आज की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, वीडियो दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और उन्हें पता चल सके। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिना मास्क के 500 की जगह 5000 का चालान है वो कर दिया गया विवाह समारोह में। पहले 21 की अनुमति थी, अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 11 लोगों को ही बुलाने के जो नए नियम है वो लागू किए गए हैं। खाद्य पदार्थ और किराए का सामान आटा चक्की खुलेंगी सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक, ये आपकी दुकानों का समय रहेगा दोस्तों। नए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन है वो लागू की गई है, जिसमें कि आपका 30 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। इसकी संभावना पहले ही दिख रही थी दोस्तों, अब यहाँ पर कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि ट्वीट आ चुका है फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान की तरफ से, अब आपका लॉकडाउन अब और बढ़ गया है। ऐसे में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं भी दोस्तों अब जो अटकी हुई थी उनको रद्द किया जाएगा, और पूर्णतः स्कूलों को जो समय था दोस्तों 6 जून तक स्कूल और कॉलेज बंद थे, कॉलेजों की छुट्टियां दोस्तों मैं बताऊँ 30 जून तक कर दी गई हैं, स्कूल की छुट्टियाँ हैं वो 6 जून तक कर दी गई हैं, तो उनको यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। और प्रदेश में कक्षा जो है 12 तक के सभी स्टूडेंट को बंद किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।